आई एम सॉरी, इनकी हार्ट बीट नहीं चल रही। मम्मी, मम्मी। डॉक्टर 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 मुझे लेने आई है ना माँ? नहीं सविता, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, और मैं अपने भक्त के प्राण ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? सविता, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी माँ का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, और तुम्हें ये जानकर के भी अत्यंत प्रसन्नता होगी कि तुम्हारे पति ने मंदिर का पट खोल दिया है, और वो तुम्हारी दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए मुझसे प्रार्थना भी कर रहे हैं। सच? इन्होंने मंदिर के पट खोल दिए? हाँ सविता, मनुष्य का तो स्वभाव ही ऐसा है, वह कभी कभी अपने अहंकार के कारण भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है। किंतु भगवान कभी अपने भक्तों से मुंह नहीं फेरते, उन पर सदैव अपनी दृष्टि बनाकर रखते हैं। श्रद्धा से भरी हर पुकार को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। जाओ सविता, वापस लौट जाओ। मम्मी, क्या हुआ सविता को? मम्मी ठीक है, अब खतरे से बाहर है। सविता जी की हालत बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी मैया की जय! लक्ष्मी मैया की जय! जैसा कि हम सब देख रहे हैं, सविता जी के जान को अब कोई खतरा नहीं है। इतने लोगों की दुआएं काम आई, और हो भी क्यों ना, जिस सच्चे भक्त के सर पे स्वयं लक्ष्मी जी का हाथ हो, उसे क्या ही हो सकता है। जो
जो कल तक ढोंगी सविता का नारा लगा रहे थे, आज वही लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सविता तोसनीवाल ने मुकुट चोरों का पीछा किया और अपनी जान खतरे में डाल के मुकुट वापस लेकर आई। अरे वाह, कमाल हो गया, तुम्हारी बहन तो पूरे शहर में फेमस हो गई, लक्ष्मी माँ का मुकुट बचा के। अरे बंद क्यों कर दिया? तुम्हें तो बड़े मजे आ रहे हैं, बड़े चिटकारे ले लेकर देख रहे हो न्यूज। नहीं नहीं, मैं तो कोस रहा हूँ कविता को। सविता को कोस रहा हूँ। देखो उसकी नौटंकी, देखो लोगों की नजरों में महान बनने के लिए देखो क्या क्या कर रही है। तुम तो शटअप ही हो जाओ जी, पहले ही बंटा ढार करके रख दिया है मेरे पूरे प्लान का। न सर के ऊपर कुछ है न अंदर कुछ। सोचा था अच्छा खासा सविता का घर हथिया लेंगे हम, पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उसमें भी पानी फेर गया। पर से इस सविता की वाहवाही बंद ही नहीं हो रही, उसे तो घर भी मिल गया और इज्जत भी। इस बार तुम बाजी जीत गई सविता, पर ये बाजी पलटेगी जरूर। मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक खुशियां मनाने नहीं दूंगी सविता, ना। देखिए सविता जी गाड़ी से उतरकर हमारी तरफ आ ही रही हैं। एक कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, सामने सामने सामने। आपको समझने में हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कीजिएगा। बहुत बुरा भला कह दिया, हम सबको माफ कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं बच्ची ने सविता जी को अभी अभी कमल का फूल दिया है। सविता जी यहाँ आ चुकी है और जैसा कि हम सब जानते हैं इन्हें पहले ढोंगी सविता माँ कहा जाता था, पर अब यहाँ सबका नजरिया बदल चुका है। अच्छी चीजें लोगों को देर से समझ में आती है। हमारी सासू माँ विलेन नहीं, हीरो है, हीरो। सासू माँ वैभव, तेरे पापा कहाँ है? हॉस्पिटल भी नहीं आए थे। मम्मी, लो ले आया तुम्हारी लक्ष्मी माँ को। माँ, लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। हम सब ने आपके परिवार का बहुत अपमान किया है, हम सब अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। आपके परिवार की प्रतिष्ठा पे हमने धब्बा लगाया है, इसलिए
हम ही उस धब्बे को धो रहे हैं। क्या बात है श्रेया, वेल डन, अपना सेकेंड चैलेंज भी पूरा कर लिया तुमने। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं जब इंसान कोई चीज खो देता है तब उसकी असली कीमत समझ आती है। जब तुम अस्पताल में थी सविता, तब समझ में आया कि तुम मेरे लिए और इस परिवार के लिए क्या मायने रखती हो। तुम्हारे बिना हम सब कुछ नहीं। जैसे लक्ष्मी मां के बिना तुम अधूरी थी, वैसे ही तुम्हारे बिना ही परिवार अधूरा है। तुमने इस घर के हर इंसान की छोटी सी छोटी जरूरत का ख्याल रखा और मैंने क्या किया, तुम्हारी सबसे बड़ी चीज तुमसे छीन ली। तुम्हारी लक्ष्मी मां, मैंने उन्हीं को तुमसे दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो सविता। कैसी बात कर रहे हैं? ना मैं तुम्हारी भक्ति को समझ पाया और ना ही लक्ष्मी मां की महिमा को। हर बात के लिए बस इन्हीं को दोषी ठहराया, लेकिन आज इन्हीं की कृपा है कि तुम यहां हम सबके बीच खड़ी हो। मुझे माफ कर दो सविता, इतने साल बाद भी मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाया। पर कोई है जिसे आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पर वो तुम्हें सबसे ज्यादा समझती है। श्रेया, ये मुझसे बोलती रही पर मैंने इसकी एक ना सुनी। तुम्हारे लिए ये मुझसे लड़ भी पड़ी, मुझसे शर्त भी लगा बैठी और अपनी शर्त भी पूरी कर ली। थैंक यू बेटा। आज अगर सविता अस्पताल से वापस आ गई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम ना होती तो इस परिवार से ढोंगीवाल का धब्बा कभी ना मिटता। तुम्हारी लक्ष्मी मां को इस घर में वापस लाने वाली, इस घर की असली लक्ष्मी यही है। चलो, देर सवेरी सही, बैल बुद्धि को कुछ समझ तो आया। चलिए, इतने ड्रामे और एक्शन के बाद ये मसला तो खत्म हुआ। डैडी जी, इसी बात पे गुलाब जामुन हो जाए। आज आपको आपकी मां मिल गई और मुझे मेरी। एक बार मैं अपनी मां को खो चुकी हूं, दूसरी बार नहीं खो सकती थी। आपकी तपस्या सफल हो गई ना, अब कुछ खा लो और आराम कर लो। मम्मी आप सब चलिए, मैं आती हूं। मां, आज आपको फिर से इस घर में, इस मंदिर में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकती। बस आप इन्हें माफ कर दीजिएगा, उन्होंने जो भी किया, जो भी कहा, गुस्से में कहा। पर देखिए ना, इतने धूमधाम से वापस भी तो यही लेके आए ना आपको।
माँ, अब आप आ गई है तो घर में खुशी आ गई है, अब बस आप भी आ जाइए, जल्दी से मुझे दर्शन दीजिए। जिस बात का डर था वो हो ही गया। मां, ये क्या किया आपने? अनर्थ हो ही गया माँ, अपनी भक्त सविता जी का जीवन बचाकर आपने सृष्टि के नियम में बाधा डाली है। जो सीमाएं आपने पार की हैं माँ, ये उसी का परिणाम है। इस कौवे का आना आने वाली अनहोनी का संकेत है। वत्स, मैंने वही किया जो उचित था और मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं। जब भक्त अपने प्राणों को संकट में डाल सकता है तो भगवान का भी एक कर्तव्य है कि वह उसे विपत्तियों से बाहर निकाले, और मैं इस बात से भली भांति अवगत हूं कि इसके दुष्परिणाम भी आएंगे, किंतु इन दुष्परिणामों का निवारण भी। कौन है निवारण माँ, किसकी बात कर रही हैं आप? स्वयं सविता। ओम श्री यंत्रम प्रतिष्ठानम भवः। लीजिए, श्री यंत्र पूरा हुआ। इस यंत्र से आपके घर में धन धान वैभव और गृहस्थी के सुख की प्राप्ति होगी। इस यंत्र से सुख और शांति का संचार आपके घर में हमेशा होता रहेगा। ये बिन मौसम बादल क्यों गरज रहे? हाँ पंडित जी, और ये कौवा भी कब से परेशान किए जा रहा है। ये अचानक बादल का गरजना, ये शुभ संकेत नहीं लग रहा। ऐसा मत बोलिए पंडित जी, इतने दिनों बाद घर में खुशी आ रही है। और अब ये मम्मी जी, मुझे भी ना सुबह से बड़ी बुरी बुरी सी फीलिंग आ रही है। माहौल भी कुछ अजीब सा ही हो गया है। अनहोनी अवश्य उसके द्वार खटखटाएगी, किंतु ये सविता पर निर्भर करता है कि वह उस अनहोनी को अपने घर में आमंत्रित करेगी या नहीं। इस पर समाधान भगवान के हाथ में नहीं, भक्त के हाथ में है।